फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। अजीत, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ पालक के नुकसान। जी हाँ, इसके फ़ायदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा और हम लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही हरी सब्जी है, फ़ायदेमंद भी है, साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी है। जी हाँ, पालक निश्चित तौर पर एक बेहतरीन सब्जी है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जिसके सेवन से शरीर में बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन पालक कई बार कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कई प्रकार से सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और कई प्रकार से सेहत के लिए औषधि रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं कि पालक की अत्यधिक मात्रा के सेवन करने से गंभीर बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पालक अत्यधिक सेवन से अपने ही इसके नुकसान हैं, जो के माध्यम से आज मैं आपको पालक से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊँगी। कि समस्या का होना, एंटीकाइकुलेट में परिवर्तन, पालक में पालक के नुकसान, एनीमिया में पालक शरीर को विषाक्त कर देता है, और साथ ही पालक के नुकसान डायरिया, गठिया रोग, मिनरल्स की कमी और किडनी की समस्या और दांतों की किटकिटाहट और एलर्जी आदि के लिए नुकसानदायक है। फाइबर का अच्छा स्रोत है, केवल एक कप पालक के सेवन से ही तकरीबन 6 ग्राम फाइबर मिल जाता है। भले ही फाइबर पाचन के लिए ज़रूरी है, लेकिन शरीर के अत्यधिक सेवन होने से इसके जो है शरीर को इसका आदि होने के लिए समय लगता है और उसके अत्यधिक सेवन जो है शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पेट में दर्द हो, गैस की शिकायत बनी रहे, अगर आप एंटीकाइकुलेट वारफेनिंग लेते हैं तो पालक को छोड़ दें। इसमें विटामिन के उच्च स्तर होते हैं जो दवा के साथ साथ रिएक्शन कर सकता है और आपके यकृत यानी संश्लेषण के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। एनीमिया में किस तरह से नुकसान पहुँचाता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने सही सुना है, पालक के ज़्यादा सेवन से एनीमिया की शिकायत हो सकती है। पालक के अधिक सेवन से शरीर खाए हुए खाने से उचित मात्रा में आयरन अवशोषित नहीं कर पाता है, इसी कारण एनीमिया की समस्या पड़ जाती है। के पत्ते जो है आपके शरीर को विषाक्त कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे सिंचाई के समय प्रयोग किए गए केमिकल वाले खाद पालक के पत्तों पर विषाक्त बना देता है, जिसके सेवन से शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी हालत गंभीर होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। पालक के जो है अत्यधिक सेवन करने से पेट में गैस, जी हाँ, जब पालक के साथ साथ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट दर्द और बुखार के साथ साथ लोमोशन की समस्या को शुरू हो जाती है और जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से ही फाइबर का सेवन उचित है। गठिया के रोग में क्यों नुकसानदायक है? पालक में प्यूरिन उच्च मात्रा में पाई जाती है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। इसीलिए आप गठिया जैसी बीमारी से परेशान हैं तो आपके पालक के सेवन बंद कर देना चाहिए, वरना यह आपके जोड़ों में गंभीर दर्द और सूजन के उत्पन्न कर सकता है। के अत्यधिक सेवन करने से मिनरल के अवशोषण में बाधा पहुँचती है। पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो विभिन्न कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ते जैसी विषाक्त, जी हाँ, आवश्यक खनिजों से पचा बंधा होता है, जिसके कारण शरीर पूरी तरह से मिनरल्स अवशोषित नहीं कर पाता और जिसके कारण शरीर में खनिज की कमी होने वाले कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में प्यूरिन पाई जाती है, इसमें कार्बनिक यौगिक होता है। जब यह हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो यह यूरिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसा करने से किडनी से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जी हाँ, और जिसके कारण किडनी में छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित हो जाते हैं और यह किडनी स्टोन में परिवर्तित हो जाता है। दांतों में किटकिटाहट, पालक का सेवन करने से दांतों में किटकिटाहट बढ़ जाती है। ऐसी समस्या से बचने के लिए पालक के सेवन के बाद ब्रश जरूर करें। एलर्जी का और नुकसान का क्या संबंध है पालक से? ऐसा बहुत कम होता है कि कभी कभी पालक अत्यधिक सेवन करने से एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। इसमें हिस्टामाइन होता है, जिससे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, पर हाँ, हल्की सी एलर्जी आपको हो सकती है। वीडियो में हमने पालक के नुकसान के बारे में जाना। इस बात में कोई दो राय नहीं है, पालक का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। दिन में एक से ज़्यादा पालक का सेवन, एक बार से ज़्यादा पालक का सेवन ना करें, जी हाँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सेवन ज़रूर करें, जैसे सप्ताह में 2 बार। फिर स्वादिष्ट सब्जियों में से एक है, क्योंकि इसमें यूरिया डाला जाता है, खाद डाला जाता है, वो जो है हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाता है, इसलिए नुकसानदायक भी। अगर आप पालक खाना ज़रूरी है तो
वैसे पालक एक लिमिट में खाएं तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप लिए पालक खाना आपके लिए ज़रूरी है तो आप इसको ब्लांच करके खाएं। जी हाँ, इसे आप बहुत गर्म पानी, तेज़ से गर्म पानी में थोड़ी देर, इसके 10 मिनट के लिए इसको डुबा कर रखें। इसके बाद निकालें तो इसमें से खाद का असर जो है वो निकल जाता है। आप अपने महाआहार में इसे इस तरह से शामिल कर सकते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर है पर कई स्वास्थ्य और औषधीय लाभ प्रदान भी करता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ इसके कुछ संभावित दुष्प्रभाव भी हैं, जिनका वर्णन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब डिटेल में बता रही हूँ। जैसे पालक का अत्यधिक उपयोग करने से शरीर की खनिज अवशोषण क्षमता जो है कम कर देता है। फाइबर का उत्तम स्रोत है पालक, लेकिन जिसको यदि अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो पेट में गैस हो सकती है, सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, कब्ज जैसे पेट संबंधी विकारों से आपको समस्या हो सकती है। अत्यधिक सेवन से दस्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पालक का ज़्यादा मात्रा में उपयोग छोटे से माध्यम गुर्दे की पथरी का गठन के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। पालक में पुरिन्स उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप गाउट जैसे गठिया रोग को आसानी से शिकार बन सकते हैं। पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं, आपको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप पालक के सेवन करने से आप पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नकारात्मक पक्ष इस प्रकार ज़्यादा नहीं है, पर हाँ जो भी है वो आप एहतियात से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुपर फूड कहते हैं पालक को, लेकिन ये गुर्दे की पथरी का कारण भी बन जाता है। पित्ताशय के रोग से पीड़ित व्यक्ति इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये में ऑक्सलेट और प्यूरिन शामिल हैं। इसके आहार में शामिल करने से पहले इसकी गंदगी को साफ कर लें, इसके अवशेषों को हटा लें। इसमें जो पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है उसे भी साफ कर लें। आप गर्म पानी में नमक डालकर इसे ब्लांच करके रखें। मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी अन्य